हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नेवी में है उनको तो पता ही होगा कि शिप को हम लोग एक पोजीशन में कैसे स्टडी रखते हैं, और जो नेवी में नहीं है शायद उनको नहीं पता कि हमारे शिप पे ब्रेक्स नहीं होते, हमारे शिप पे एंकर होता है, उसको डाल देते हैं पानी में एंड देन हम लोग एक पोजिशन होल्ड करते हैं। तो ये वीडियो एंकर के ऊपर है, एंकरिंग प्रोसीजर, ओडब्ल्यू को ऑफिसर अनुरोध को क्या ड्यूटी भी करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बी विद मी, वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं यार, देखो सबसे मेन पॉइंट है, कोई भी ऑफिसर मैंने आज तक देखा है शिप पे किसी भी चेकलिस्ट को फॉलो नहीं करता। यार ये मत करो, एक बार एटलीस्ट उसको पढ़ लो, उसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सब आपके फायदे के लिए लिखे हुए हैं। जैसे कौन से चार्ट्स आप फॉलो कर रहे हो, आपका वॉकी टॉकी ऑन है या नहीं है, इंजन रूम को इन्फॉर्म किया या नहीं किया, स्टैंड बाय दे दिया या नहीं दिया, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आपको चेकलिस्ट के थ्रू जाओगे तो आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करोगे। पावर पैक ऑन है नहीं है, हीविंग अप एंकर के टाइम पे आपने डेक वॉशर ऑन किया या नहीं किया, सब चेकलिस्ट के अंदर लिखा हुआ है। और आपको ये भी लिखा हुआ है कि ओडब्ल्यू को क्या क्या करना है एट वाइल एट एंकर, जो भी डाउट है चेकलिस्ट से ही क्लियर हो जाते हैं। पर कोई चेकलिस्ट पढ़ता नहीं है, इसलिए वो डाउट हमेशा डाउट ही रहते हैं, इसीलिए मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ी। आई होप कि आप ये चेकलिस्ट अब जरूर पढ़ेंगे, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको पढ़ के ही टिक कीजिएगा। सारी चीज़ जब रेडी हो जाए तभी आप उसको प्रोसीड कीजिए। एंड देर मस्ट बी अ प्री एंकरिंग मीटिंग विद मास्टर चीफ इंजीनियर एंड ड्यूटी ऑफिसर, सब एक प्लानिंग के तहत चलना चाहिए कि हम लोगों को कैसे प्रोसीड करना है, एंकरेज में कितनी डेप्थ है, हम लोगों को किस हेडिंग में एंकर ड्रॉप करना है, कब हम लोग स्टैंड बाय इंजन्स देंगे। चीफ इंजीनियर इंजीनियर्स दे मस्ट अवेयर कि हम लोग क्या करने वाले हैं, देन दे कैन ऑल्सो बी स्टैंड बाय एट दैट मोमेंट, क्रिटिकल मोमेंट होता है, स्पीड क्या रहेगी, हेडिंग क्या रहेगी, करंट डायरेक्शन, विंड, सब एज पर चेकलिस्ट अगर आप जाओगे तो आप सारे पॉइंट्स को क्लियर करोगे। सो अभी ये सब जानने के बाद आप बोलोगे कि जब सारी चीज़ें चेकलिस्ट में हैं तो भैया तुम क्या बता रहे हो, तो यार जो चेकलिस्ट में नहीं है मैं आज वो आपको समझाता हूँ। चेकलिस्ट से आगे बढ़ते हैं, जो ड्यूटी ऑफिसर ड्यूटी करते हैं एंकरेज पे, उनको कैसे पता चलेगा कि उनका वेसल ड्रैग हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम लोग स्विंगिंग सर्कल कैलकुलेट करते थे, यानी कि एंकर केबल, एंकर डल गया है पानी में, अभी एक एंकर केबल पानी से ऊपर है, उसको पकड़ के आपका जहाज घूम सकता है ना इन 360 डायरेक्शन, तो वही होता है स्विंगिंग सर्कल कि कितने किस एरिया में रेडियस में आपका वेसल मूव करेगा। आजकल एक्डिस में तो सिर्फ आपको इतना डालना है कि कितने शैकल आपने डालने हैं, क्या सेफ्टी मार्जिन आपको रखना है, आपका स्विंगिंग सर्कल प्लॉट हो जाता है। जैसे ही जहाज स्विंगिंग सर्कल को टच करेगा आपको पता चल जाएगा कि आपका वेसल ड्रैग हो रहा है। जिस पोजिशन में आपने एंकर ड्रॉप किया है आप जीपीएस पोजीशन को मॉनिटर करते रहिए, जीपीएस पोजीशन थोड़ा चेंज भी होगी, जब आपका वेसल स्विंग करेगा तो थोड़ा सा पोजीशन चेंज होगी, बट उसमें घबराना नहीं है, आपको देखते रहना है कि आप स्विंगिंग सर्कल के अंदर जीपीएस स्पीड चेंज हो रही है या कहीं और पोजीशन चेंज हो रही है। सो नेक्स्ट एंड मेन पॉइंट इज स्पीड। स्पीड दो तीन टाइप की होती है, स्पीड थ्रू वाटर, स्पीड ओवर ग्राउंड, एंड एक होती है स्पीड जो कि होती है फॉरवर्ड एंड आफ्ट डायरेक्शन, ये रडार में आपको दिखाई देती है, स्पीड ही लिखा रहता है। इससे पता चलता है कि वेसल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या आफ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो एसओजी है दैट इज अ रिलेटिव वेक्टर, करंट या विंड आपको किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं वो वाली स्पीड है एसओजी। तो स्विंगिंग के टाइम पे आपकी एसओजी बढ़ सकती है, तो उसमें डरना नहीं है। यू मस्ट नॉट हैव एनी एसपीडी दिस स्पीड फॉरवर्ड एंड आफ डायरेक्शन वाली। अगर आफ डायरेक्शन स्टर्न साइड में अगर आपकी स्पीड है दैट मीन्स यू आर वेसल इज ट्रैकिंग, प्लीज बी केयरफुल। स्विंगिंग सर्कल के साथ आप EBL VRM डाल सकते हैं, जैसे ही आप एंकर ड्रॉप करके मॉनिटर करते हो वेसल को, देन जो भी नियरेस्ट वेसल या नियरेस्ट लैंड है उस पर उसकी पोजीशन आप मॉनिटर कर लीजिए, लॉक डाउन कीजिए रेंज एंड बियरिंग नियरेस्ट लैंड एंड वेसल की। रडार में EBL एक नियरेस्ट वेसल के लिए VRM एंड एक EBL VRM नियरेस्ट लैंड के लिए उस पर लगा के छोड़ दीजिए, ताकि इजीली आपको एक ही लुक में ये पता चल जाएगा कि आपका वेसल ड्रैग हुआ है या नहीं हुआ है। नियरेस्ट वेसल का डाटा एक्वायर करके रखिए, जैसे ही वो उसकी स्पीड पकड़ेगी, सपोज वो वेसल कोई और वेसल
ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया है देन यू विल हैव अलार्म। नॉर्मली ड्यूटी ऑफिसर्स बिजी हो जाते हैं, एंकर ड्रॉप करने के बाद वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। नो वन इज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग फॉर 4 आवर्स एट दैट पॉइंट। सो उसके लिए यही अलार्म्स हमारी हेल्प करते हैं। आप उसको टारगेट को सिलेक्ट करके रखिए, अगर वो वैसल ड्रैग होगा तो आपको पता चल जाएगा। आपके पास एबल सीमैन होता है AB ऑन डेक वॉच पे, उसको बोलिए रेगुलरली ही विल मॉनिटर, ही विल गिव यू एंकर पोजीशन। एंकर पोजीशन का आइडिया तो आपको पता ही होगा, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप लोगों ने पोर्ट एंकर डाला हुआ है तो फॉरवर्ड राइट हेड से अगर स्टार्ट करेंगे देन इट इज 12 o'clock, पोर्ट साइड में मूव करेंगे 11, 10, 9, 8, 7 लाइक दिस। सेम इन द स्टारबोर्ड साइड 12, 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज, जो क्लॉक में घड़ी की सुइयां होती हैं उसी तरीके से हमें डिस्टेंस बताना होता है कि क्या डायरेक्शन है एंकर की एंड कितनी दूर है। बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है एंकर तो उसको अप एंड डाउन बोलते हैं, थोड़ा दूर है तो शॉर्ट, देन उसके बाद मीडियम, लॉन्ग। ये मैं एक सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ, इसमें डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको सबको पता ही रहता है ये एंकर पोजिशंस कैसे बताते हैं। मैं आपको थोड़ा करंट और टाइड के बारे में बता देता हूँ। टाइड सपोज हाई वाटर है तो पानी अंदर की साइड आएगा, यानी कि समुंदर से पानी अंदर एरियाज की तरफ आएगा। लो वाटर्स में पानी बाहर की तरफ जाएगा, समुंदर की तरफ, वो पानी का लेवल नीचे हो जाता है। तो द फ्लो ऑफ वाटर इज योर करंट। करंट सपोज नॉर्थर्ली है तो आपकी शिप की हेडिंग सदर्ली होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, हमेशा शिप हेड करेगा करंट को। दिस इज सिंपल, इसी से आपको अपना वेसल स्टडी रखना है। सो ये तो है कि हाउ टू फाइंड योर एंकर इज ड्रैगिंग। इन केस अदर वेसल इज ड्रैगिंग देन हाउ विल यू कम टू नो, जैसे कि मैंने बताया आपको रडार में उसको टारगेट एक्वायर करके रखना है। यू विल कम टू नो, EBL VRM बना के रखेंगे देन उससे भी आपको पता चल जाएगा तो उसका वेसल ड्रैग कर रहा है नहीं कर रहा है। VTS नॉर्मली आपको बता देता है, VTS भी मॉनिटर करता है अगर वहाँ पर VTS है उस एरिया में तो। सो नाउ द मेन पॉइंट, यार आप लोग पूछोगे कि ये सब तो बता दिया है कि कैसे वेसल ड्रैग हो रहा है, पता कर लिया, पर अभी करना क्या है अगर वेसल ड्रैग हो रहा है तो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। तो सबसे पहले तो यार होल मास्टर ही इज इन चार्ज, ही विल टेक एक्शन, वॉट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड मास्टर विल टेक एक्शन। तो सबसे पहले तो कैप्टन को कॉल करो, इंजन रूम को कॉल करो, क्योंकि बिना इंजन के तो एंकर ड्रैगिंग को आप रोक ही नहीं सकते। एक बार जब जहाज ने मोमेंट पकड़ लिया, चलना स्टार्ट हो गया, तो आपको इंजन चाहिए। तो फर्स्ट कॉल मास्टर, कॉल इंजन रूम फॉर इंजन्स, कॉल एंकर पार्टी, टेल देम टू प्रोसीड फॉरवर्ड। सेम टाइम VHF पे अटेंशन क्रिएट कीजिए, अदर वेसल्स को, VTS को, पोर्ट कंट्रोल को इन्फॉर्म कीजिए कि वो आपका वेसल ट्रैक कर रहे हैं। देन मास्टर ऊपर आने के बाद कैन टेक डिसीजन अगर आपका वेसल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पीछे किसी जहाज की तरफ जा रहा है, देन यू कैन लिटिल हीव अप योर एंकर। देन जैसे ही आप एंकर हीव अप करना स्टार्ट करोगे तो आपका वेसल एंकर की तरफ मूव करेगा, यानी कि आगे की तरफ मूव करेगा। देन यू कैन सडनली ड्रॉप योर सेकेंड एंकर, तो वहाँ पर भी आपको कुछ होल्ड मिल सकता है। सब ठीक है, देन यू हीव अप योर एंकर, देन गो अवे एंड ड्रॉप इन अनदर पोजिशन। ऐसा ही सिनारियो जब दूसरा वेसल ट्रैक करता है तो उसमें भी हो सकता है। आपको एंकर केबल पे आउट करनी है उससे दूर जाने के लिए, या फिर कोई पीछे वाला जहाज ड्रैग करके आगे की तरफ आ रहा है, देन यू कैन हीव अप लिटिल बिट, देन योर वेसल विल बी गो फॉरवर्ड। टच करने से आप रोक सकते हो, बिल्कुल हिट करने से आप नहीं रोक सकते, तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है। ये सब एक्शन आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आओ आपको अब मैं फॉरवर्ड स्टेशन पे लेके चलता हूँ, थोड़ा एंकर के दर्शन कराता हूँ। मेरा शिप थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा रस्ट वस्ट, इसको अवॉइड करना। तो आप देख रही हैं ये जो एंकर जहाँ से बाहर की तरफ लटका रहता है इसको होज पाइप बोलते हैं, एंड जहाँ से एंकर चेन निकल के आती है इसको स्पर्लिंग पाइप बोलते हैं। ये पूरे सिस्टम को विंडलास बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग एंकर ड्रॉप करते हैं। ये है भाई स्पेयर एंकर, सेम एंकर ही वहाँ पर बाहर लटका रहता है पानी में। हम लोग इसको नीचे ड्रॉप करते हैं, नीचे जाने के बाद ये लेट जाता है। शिप को हम लोग स्टर्न में लेके जाते हैं और ये दोनों फ्लुक्स, ये दो जो फ्लुक्स दिख रहे हैं, ये दोनों फ्लुक्स मिट्टी में अंदर धस जाते हैं और ये एंकर होल्ड हो जाता है। एंकर ड्रॉप करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, वॉक बैक कर सकते हो, धीरे धीरे आप विंच विंडलास को ऑपरेट करेंगे तो वो विद द गियर एंकर धीरे धीरे जाता है। एंड लेट गो एंकर, जस्ट ओपन योर ब्रेक्स एंड लेट इट गो बाय ग्रेविटी।
तो ये काफ़ी मेथड है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डीपली हम इसमें नहीं जाएंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। एक बार मेन पॉइंट्स पे से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही आप एंकर ड्रॉप करते हो, आपको एंकर लाइट्स ऑन करनी है, इन्फॉर्म VTS, गिव टाइमिंग्स, प्लॉट योर पोजिशन, प्लॉट नियरेस्ट वेसल पोजिशन एंड नियरेस्ट लैंड बेयरिंग एंड डिस्टेंस, EBL प्लॉट करनी है रडार में, स्पीड मोनिटर करनी है, स्विंगिंग सर्कल डालना है, एंकर ड्रैग होगा तो कोल मास्टर, इंजन रूम, एंकर पार्टी, इन्फॉर्म VTS, पोर्ट कंट्रोल, अदर विजिनिटी वेसल्स। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप लोगों को कुछ इसमें सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।